Okay, so we're starting with our next topic today, colligative properties. Today we are going to discuss three. A colligative property we have already discussed kar chuke hai jab humne Reaul's law kiya. Okay, now let's first understand ki colligative properties hoti kya hai. हमें पता है कि जब भी हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक सॉल्वेंट के अंदर देर आर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स. ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं दे आर डिसॉल्विंग इन द सॉल्यूशन. होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि, ठीक है, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत सारी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ के साथ इंटरफेयर करते हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. क्यों? जैसे कि हमने वेपर प्रेशर में देखा था कि जब हम लोग एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो उसका वेपर ज़्यादा बनेंगे. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. पर अगर हम उसमें शुगर डाल देते हैं तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वेपर के पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं. क्योंकि वो वेपर के पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उसकी वजह से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है. ठीक है, सो बेसिकली एक किसी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है, वो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे तो ज़्यादा पैसेज को वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा. ठीक है, सो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हुए उतनी ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को या सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ये सॉल्यूट पार्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, मतलब इंटरफेयर करते हैं उनके साथ. So that is known, that is why these are known as colligative properties, because they are only depending upon the number of solute particles which are present. Now basically when we are talking of colligative properties, colligative is a Latin word which means co. Co ka matlab kya hota hai? Together. Theek hai? Or the second word which we have over here, that is ligare. Colligative, ligative hai na ye. So the second word which we have, that is ligare. Ligare ka matlab hota hai binding. So colligative property means that binding together of the solute particles which are going to interfere with some of the physical properties of the solutions. ठीक है, now over here when we talking of colligative properties, how are we going to define the colligative properties? They are those properties which depend only on the number of solute particles. Those properties which are going to depend only on the number of solute particles in solution. Now these colligative properties, they are also given another name. They may also be known as democrative properties. Democrative का मतलब क्या होता है, जैसे एक कंट्री के अंदर, जैसे हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू वोट, और जो भी एक पार्टी जीतती है वो पार्टी जीतेगी बाय द नंबर ऑफ वोट्स इट गेट्स, नॉट बाय द फैक्ट कि उनको हिंदुओं ने कितना करा है या उनको किसी और रेस ने कितना करा है, काले लोगों ने कितना करा है, गोरों ने कितना करा है, छोटों ने कितना करा है, लंबों ने कितना करा है. इसके ऊपर कोई भी एक पार्टी जीतती नहीं. कलेक्टिवली कितने लोगों ने उस पार्टी को वोट करा है उसके ऊपर उस पार्टी की हार या जीत जो है वो डिपेंड करती है. सो दैट इज़ वाई, क्योंकि यहाँ पे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि वो सॉल्यूट पार्टिकल्स की नेचर क्या है, उनका साइज क्या है, छोटे हैं बड़े हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही. इसलिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज भी बुलाते हैं. ठीक है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर.
relative lowering in vapor pressure. ठीक है. Now this we have already done. Four colligative properties हमने discuss करनी है. The first one is relative lowering in vapor pressure. The second one that is going to be elevation in boiling point. The third is depression in freezing point and the fourth is osmotic pressure. So let's go on to relative lowering in vapor pressure. जैसे हमने Reaulds law में derivation एक करा था कि अगर हम non-volatile solute डाल रहे हैं किसी भी एक solution के अंदर या किसी भी एक solvent के अंदर, तो जो pressure होगा that is only going to depend upon pressure of the pure solvent. So I am putting P naught over here. That is going to only depend upon what? या आप इसमें PS ले लो. Pressure of the solution that will depend upon the pressure of A into XA. That is because जो B है that is non-volatile, that is not forming any vapors. Hence उसका कुछ भी vapor pressure नहीं होगा. Okay. Now over here instead of PA I am only taking P naught. Right. P naught that is going to be the vapor pressure of the pure solvent. PS is going to be the vapor pressure of the solution. Right. So this is what we have. Getting the like terms together, we will get PS upon P naught that is equal to XA. ठीक है, subtracting by 1 on both sides, then what are we going to get? 1 minus PS upon P naught that is equal to 1 minus XA. इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये बन जाएगा P naught minus PS upon P naught that is equal to XP. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल कि हम लोग लोरिंग इन वेपर प्रेशर क्या बुलाते हैं और रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर क्या बुलाते हैं. तो लोरिंग इन वेपर प्रेशर इज द न्यूमरेटर पी नॉट माइनस पी एस. कि हमने पी नॉट प्योर सॉल्वेंट था, उसके अंदर जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला तो जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया. ठीक है. और जब हम उसको कोरिलेट करते हैं या उसको कंपेयर करते हैं विद पी नॉट, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट दैट इज गोइंग टू बी रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर. नाउ यू कैन सी ओवर हियर दैट द रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट. और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स. सो हेंस इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे आता है शो दैट relative lowering in vapor pressure is a colligative property. तो आप कैसे show करोगे? ये पूरी derivation कर दी, उसके बाद लिखना है कि as relative lowering in vapor pressure that is depending upon the mole fraction of the non-volatile solute, therefore it is going to be a colligative property. ठीक है, 2 marks का आपको ऐसा एक question आ सकता है. Now over here जब हम application इसकी देखते हैं, एप्लीकेशन जब हम इसकी देखेंगे, वन ऑफ द एप्लीकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. ठीक है. सो लेट्स take that forward. हमारे पास आ गया था P naught minus PS upon P naught that is equal to XP. Now you know that XB that is equal to what? NB upon NA plus NB, right? Now as the amount of solute particles that is going to be very very less, therefore हम denominator में NB को ignore कर देते, therefore XP that becomes equal to NB upon NA. ठीक है. So what is going to be the value of NB? The value of NB that is going to be WB upon MB. In a similar manner, value of NA that is going to be equal to WA upon MA. ठीक है. So let's put the values over here. WB or तो XB की value क्या आ जाएगी? XB that will be equal to WB upon MB into MA upon WA. ठीक है. So let's put the value of XP over here. We will have P naught minus PS upon P naught that is going to be equal to WB into MA upon
MB into WA, right? और ये क्या हुआ? This is going to be the molar mass of the non-volatile solute. ठीक है? So आप molar mass of the non-volatile solute can be calculated. Understood? Okay. So this is, we will do all the questions together tomorrow. We will discuss pehle all three properties. So this is the first colligative property, which is the relative lowering in vapor pressure. The second colligative property, that is elevation in boiling point. Okay. The second one which we are going to discuss that is elevation in boiling point. Now yesterday I told you ki jo boiling point hota hai that is going to be inversely proportional to the vapor pressure. Theek hai? So humne already kya kiya? Ki jab humne ek non-volatile solute dala hai to vapor pressure jo hai wo kam ho gaya hai. अब अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या होगा? इट इज गोइंग टू इंक्रीज. सो एलिवेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट? सो ओवर हियर व्हाट आर वी सेइंग दैट वेपर प्रेशर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है? नाउ एज द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ऑन addition of a non-volatile solute therefore the boiling point increases. We also know the definition of the boiling point. Ki kya hota hai boiling point? When we define boiling point, it is that constant temperature at which the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. Now the atmospheric pressure that is approximately equal to 1.003 atmospheres, right? अब अगर हम लोग graphically इसको represent करना चाहें, this is the vapor pressure, this is the temperature, ठीक है? और हमने क्या किया? एक graph plot किया है vapor pressure का with temperature. We know that the vapor pressure that increases with increase in temperature. So this is how our graph that is going to come. इसको complete नहीं बनाते हैं. Let's make it till only here. ठीक है? So let's say that this is the graph for the solvent. And at this particular point or at this particular temperature, the vapor pressure that becomes equal to atmospheric pressure. So, ye jo yahan pe temperature hoga, that is going to be TB naught. That is the boiling point of the pure solvent. ठीक है? अब इसमें अगर हम लोग एक non-volatile solute डाल देते हैं और फिर से curve बनाते हैं, so it is seen that the curve comes like this. Because non-volatile solute डालने पे क्या होगा? Vapor pressure that is going to decrease. So ग्राफ नीचे की साइड बन गया, राइट? अब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर. दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज टीबी. सो यू कैन सी दैट द टेम्परेचर दैट इंक्रीजेस ऑन पुटिंग अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. ओके, अब ये जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया टेम्परेचर का, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा टीबी. ओके, ये हमारे पास सॉल्वेंट का कर्व है, ये हमारे पास सॉल्यूशन का कर्व है. इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस इज गोइंग टू बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस इज गोइंग टू बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट can be denoted by delta TB and the elevation in boiling point TB that is going to be equal to TB minus TB naught. That is the boiling point of the solution minus the boiling point of the pure solvent. Generally, agar hum aqueous solutions lete hain, to in case of aqueous solutions, please remember that the boiling point of the pure solvent will be taken as 100 degree Celsius. ठीक है? TB आपका जो भी आएगा वो आपने इसमें डाल देना है,
डेल्टा टीबी की वैल्यू, या अगर आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रखी है, टीबी नॉट वाटर का आप बोलो कि टीबी नॉट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है बट उन्होंने वाटर दिया है, तो टीबी नॉट की वैल्यू आपने 100 लेनी है और टीबी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है. नाउ एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन डिटर्मिंड दैट डेल्टा टीबी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. दिस हैज बीन एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जो है वो दिखाते हैं हमें कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी और डेल्टा टीबी that is equal to kb into m, right? Now what is kb over here? Kb that is known as molar elevation constant, or it is also known as ब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. नाउ अगर हमको इसे डिफाइन करना है, सो फॉर दैट वी से दैट लेट से दैट द मोलालिटी दैट इज इक्वल टू वन. नाउ इफ मोलालिटी विल बी इक्वल टू वन, डेल्टा टी बी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू के बी. सो नाउ कैन यू डिफाइन द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट? यू कैन राइट डाउन मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट of a solution, molar elevation constant of a solution is the elevation in boiling point, elevation in boiling point when the molality of the solution is taken as 1. When the molality of the solution is taken as 1. Now please remember that KB for every solvent that is going to be different. So if we're taking water, water will have a different value of KB. If you're having benzene, benzene is going to have a different value of KB. So each of the solvents, they are going to have their own KB values. Jaise aap water lete ho, to water ka KB is 0.52 Kelvin per mole. मोल, ठीक है. और अगर आप बेंजीन का लेते हो, इट इज 2.53. दिस विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. इनको लर्न करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर. नाउ अगेन व्हेन वी गो ऑन टू द एप्लीकेशन, दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द मोलर मासेस of the non-volatile solute. So we're coming back to the expression delta TB that is equal to KB into M. Now let's write down the expression for molality. Molality that is equal to WB upon MB into WA into 1000. This we have already done in our first lecture. Okay? So molality ki value kya hui? WB, weight of the solute upon molar mass of the solute into 1000 upon weight of the solvent in grams. ठीक है, ये हमने ले लिया. Let's put down the value over here. So we have this is equal to KB into WB into 1000 upon MB into WA. ठीक है जी. So ये जो MB यहां पे आया, this is going to be the molar mass of the solute. अब question आपको आ सकता है कि show how elevation in boiling point that is going to be a colligative property. So answer उसमें आपने लिखना है कि it has been experimentally determined that the delta TB or elevation in boiling point that is directly proportional to molality, right? Now as it is directly depending upon the number of moles of the solute particles, therefore it is going to be a colligative property. This is a question of 1 mark. Understood? So this is what we have over here. Then isme ek aur aapke paas expression aata hai ki if in case hame KB question mein nahi de rakha,
But they have given us, generally this is a question for your competition, expression for your competition, कि KB की value हमें directly नहीं दी है, और उन्होंने हमें heat of vaporization वगैरह दी है, तो उससे हम KB की value कैसे find करते हैं? Then KB that is equal to MRTB का square upon delta H vaporization into 1000, ठीक है? So, इस तरह से हम calculate कर सकते हैं KB, जहाँ पे R that is going to be the gas constant and R has a value of 8.314 joules per Kelvin, ठीक? उसके बाद M that is going to be taken as the molar mass of the solvent. So, अगर water molar mass है, तो हम उसकी solvent की molar mass क्या लेंगे? 18, ठीक है? TB जो है, that is going to be the boiling point of the solvent and delta H vaporization is the enthalpy of vaporization which will be given to you in the question. So, agar KB is not given but all these things have been given, then you can calculate the value of KB by this expression. Samajh aa gaya? Then the next third which we are going to do, that is going to be depression in freezing point. Let's go on to the depression in freezing point. The next third colligative property which we are going to discuss freezing point. A freezing point, agar aap yaad karo, to bachpan se humko ye pata chal raha hai ki freezing point wo temperature hai jispe ek solid liquid state mein convert hone lag jata hai. ठीक है, but scientifically अगर हम in words of chemistry उसकी definition दें, तो freezing point वो temperature है जिसमें solid state और vapor state या not the vapor sorry the solid state and the liquid state they are going to have the same vapor pressure. That is what the freezing point is, right? So we're defining freezing point over here. We say that it is that temperature at which the solid and the liquid have the same vapor pressure. Okay, now over here vapor pressure ke upar depend kar raha hai freezing point. अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा. ओके, सो ये उल्टा है देन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था. यहां पे अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है. सेकेंडली हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इट इज दैट टेम्परेचर एट विच the liquid and solid states coexist. ठीक है, so if graphically we want to represent, let's again draw a graph between vapor pressure and temperature. ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ आ रहा है दैट इज लाइक दिस. नाउ बिलो दिस पॉइंट ओनली सॉलिड इज एग्जिस्टिंग, अबव दिस पॉइंट ओनली लिक्विड इज एग्जिस्टिंग एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट और दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड दे आर गोइंग टू को एग्जिस्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी वॉट, TF naught, freezing point of the pure solvent, right? जब हम इसमें non-volatile solute डालते हैं, तो जो curve है, वो इस तरह से आ जाता है. Okay? So this is going to be the curve over here. और ये क्या आ गया? This is TF. That is going to be the freezing point of the solution. Right? Similarly, जैसे हमने delta TB में किया था, this is going to be delta TF. So, what is the value of delta TF which is coming?
delta TF, that is equal to TF naught minus TF. ठीक है? So यहाँ पे हमने अगर water है तो TF naught की value is going to be taken as 0 degree Celsius. Okay? Delta TF आप calculate कर सकते हो और यहाँ आपको दे रखा होगा तो आप freezing point of the solution. Generally जो question आता है वो यही आता है कि calculate the freezing point of the solution. अगर delta TF नहीं दिया है तो फिर हमको in that case delta TF भी calculate करना है. ठीक है? कैसे delta TF calculate करेंगे? Again experimentally it is found that delta TF that is directly proportional to the molality or delta TF that is KF into M. Okay. Now what is KF over here? KF is the molar depression constant or it is also known as cryoscopic constant. ठीक है, जैसे हमने KB define किया था, उसी तरह से हम KF define कर सकते हैं, that KF is the depression and freezing point when the molality of the solution is taken as one molar solution, in a similar manner. Okay, now over here when we're looking at the application, again the application of this is to calculate the molecular masses of solutions. ठीक है, yeah, not the solution, sorry, the non-volatile solute. Same expression aa jayega, you know the expression of molality now. So what is going to be delta TF? That is going to be KF into WB into 1000 upon MB into WA. So this is how you can calculate the molar mass of a non-volatile solute. Theek hai? Okay. Now in this case, again, jaise KB har ek उसके लिए डिफरेंट होता है, लिक्विड के लिए डिफरेंट होता है, हर एक सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होता है, उसी तरह से केएफ की वैल्यू भी हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग होगी. इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम. हैव यू अंडरस्टूड? ओके. नाउ ओवर हियर अगर हमें केएफ नहीं दे रखा है, सो देन हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केएफ? इन केएफ दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? एम आर TB की जगह आपको TF स्क्वायर लेना है, फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर अपॉन वेपराइजेशन की जगह आपने फ्यूजन लेना है इनटू 1000. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ KF. हैव यू अंडरस्टूड? नाउ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की दो बहुत ही प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होती है इन आर डे टू डे लाइफ. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एक फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो कार के रेडिएटर्स होते हैं वो आपको पता है कि गर्म हो जाते हैं, चढ़ाई चढ़ी गर्म हो गए. ठीक है, अब उन रेडिएटर्स को कूल रखना जरूरी है. समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन कि स्पेशली यहाँ पे हिल्स में जब गाड़ियां चलती हैं चढ़ाइयों पे तो कहीं रुक के उसमें से धुआं निकलने लग जाता है. वो जो धुआं निकलता है दैट इज बिकॉज जो रेडिएटर है वो गर्म हो गया है. सो बेसिकली वॉट द कार्स हैव, दे हैव अ सर्क्यूलेशन ऑफ अ कूलेंट. कूलेंट क्या करेगा? वो इंजन को ठंडा रखेगा, उसके इर्द गिर्द वो घूमता रहता है तो वो इंजन को ठंडा रखता है. नाउ इफ इन केस हम लोग कूलेंट वाटर ले लें, देन व्हाट विल हैपन इन वाटर दैट इज एट लो टेम्परेचर्स, जैसे हिल्स पे द टेम्परेचर इन काजा और द टेम्परेचर इन लाहौल स्पीति वेयर एवर इट गोज बिलो, इट गोज टू -30, -40, इस तरह से टेम्परेचर चला जाता है एट वेरियस एरियाज. व्हाट विल हैपन? Even if temperature goes below 0 degree Celsius, the water that is going to freeze. So water alone is not a very good, you can say a coolant, we cannot take it as a coolant. So hame uske water ke freezing point ko depress karna hai. Freezing point ko depress karne ka matlab kya hua? Ki wo 0 degree pe freeze na ho, usse kam temperature pe freeze ho. तो उसके लिए हम उसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं और जो सबसे कॉमन नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है दैट इज इथाइलीन ग्लाइकोल. सो इथाइलीन ग्लाइकोल मिक्स्ड विद वाटर दैट इज यूज्ड एज अ कूलेंट. इथाइलीन ग्लाइकोल वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है. ठीक, जितना ज्यादा हम इथाइलीन ग्लाइकोल डालते रहेंगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उसका डिप्रेस होता रहेगा.
This is one practical significance of depression and freezing point. Then you must have seen कि यहाँ पे बर्फें पड़ती हैं winters में, तो क्या करते हैं वो उसके ऊपर salt का mixture roads के ऊपर डाल देते हैं, right? So we are taking a mixture of sodium chloride and calcium chloride. दोनों non-volatile solutes हैं, right? अब क्या होगा कि जैसे ही water सड़कों के ऊपर गिरेगा, तो उसका freezing point हमने कम कर दिया है by spreading little amount of salt. जब हमने उसको salt को spread किया, तो freezing point water का कम हो गया. अगर freezing point water का कम होगा, तो water सड़कों के ऊपर freeze नहीं होगा. ठीक है? So these are the two practical significances of depression and freezing point. Okay? ये one mark के questions आपको आ सकते हैं. What do you understand by coolant? What is why ethylene glycol is added in water to make it as a coolant? So I have explained you that. Why NaCl and calcium chloride, they are spread in roads in the hilly areas. So these are two questions which you can get as reasoning questions. ठीक है? Now over here, इसमें से basically इस वाले section में से definitely एक numerical हमको आता है. CBSE में तो 110% एक numerical section में से आएगा. HP board में से भी आपको इसमें क्या कहते हैं उसको colligative property में से एक numerical आता है. Although numerical might be a little easier, but आता जरूर है. Okay? So we will try and do a few questions of this section, and in the next section, जो next हमारा lecture होएगा after doing the questions, we are going to finish off this chapter because सिर्फ हमारा एक ही property रह गई है, that is the osmotic pressure and Van't Hoff factor. Okay?